क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कॉस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। यानी इसे हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं, इंटीग्रेशन का आई से सूचित किया जा सकता है, और आई बराबर मान सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं, इतना बराबर मान लेते हैं, यानी माना कि 1 प्लस साइन x बराबर t, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या देखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स का और टी का अवकलन ज्ञात करना है, मतलब d बटे dx। अब 1 का कांस्टेंट है तो नंबर है, तो कोई सी भी नंबर का होता है 0, और साइन का होगा कॉस एक्स, और इधर हो जाएगा dt बटे dx। अब चूंकि कॉस एक्स में 0 जोड़ेंगे तो कॉस एक्स ही होगा, और इस तरफ dx आएगा, dt dx। हाँ dt। अब चूंकि चूंकि हमें पहले से ज्ञात क्या करना था, इंटीग्रेशन कॉस एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स dx, कॉस एक्स dx बराबर मिला है dt, तो हम लिख सकते हैं dt, और रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बराबर t माने थे, इधर हो जाए, अब इस तक कुछ बचा नहीं। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर t dt, और 1 बटे t है तो इसे यानी रूट सॉरी 1 बटे रूट अंडर t है तो इसका मतलब है कि टी पर पावर हाफ है, रूट का मतलब, तो 1 बटे t के पावर हाफ dt। अब क्या करेंगे, अगर हाफ ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, पावर से सॉरी पावर में एक बढ़ेगा, पहले से माइनस था और पूरा से भागा होता है, फॉर्मूला है। और प्लस सी, तो हम क्या देखते हैं कि अगर इसका भीम का जोड़ निकालेंगे तो आएगा टी, और इसका टू टू, और इसके नीचे 1 छिपा हुआ होता है तो इसलिए 2 1 का LCM 2, और 2 का 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 का 1, और प्लस नीचे 1 है तो 1 का 2 टाइम, तो प्रोलॉग के 2 टाइम, और यहाँ वही हल करेंगे, 2 -1 + 2 और प्लस सी, तो होगा टी, और इसका 2 में से 1 माइनस 1 और जोड़ 2 बराबर हो जाएगा 1, यानी टी के पावर 1/2, और इधर भी 1/2 प्लस सी। अब ये हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 t के पावर 1/2 प्लस सी, अब टी का मान भर देंगे तो हो जाएगा 2, और टी का मान क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स 1/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ।